यूपी पुलिस महिला अपराधों के प्रति कितनी सजग है, इसकी बानगी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। खुद पर डीजल डालकर आत्महत्या की कोशिश कर रहा ये शख्स इतना लाचार है, बेबस है कि मरने के सिवा इसको कोई रास्ता नहीं दिखा। खुद की जान लेने के पीछे वजह है लखीमपुर खीरी पुलिस की लापरवाही। दरअसल लापता बेटी की बरामदगी के लिए बुजुर्ग पिता कोतवाली सदर के चक्कर लगा लगा कर थक चुका था। कोई सुनवाई नहीं होने पर उसने एसपी ऑफिस के सामने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने वक्त रहते उसे बचा लिया। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, उनके सिवा के रिश्तेदार हमारे बगल में रहते हैं, वो सब ये कराए रहे हैं हमारे। क्या किए, यहाँ क्या हुआ था? यहाँ हम साहब आए, एप्लीकेशन दिए, हमारा दिमाग नहीं काम कर। क्या किए? हम एप्लीकेशन साहब दिए हैं, डीएम साहब ने क्या डाले अपने ऊपर, क्या डाल लिया? हम डीजल ढील लिए, आप ही लगा लेगा, जान हत्या कर लेंगे। बुजुर्ग ने एक युवक पर बेटी को जबरन ले जाने का आरोप लगाया है। वहीं जिन जवानों ने उसे बचाया उन्हीं के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी को ढूंढने की गुहार लगा रहा है। पीड़ित पिता की गुहार लगाने के बाद पुलिस अधिकारियों ने अब कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इस मामले को लेकर अब कांग्रेस ने भाजपा सरकार को निशाने पर ले लिया। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, कभी सत्ता के दबाव तो कभी प्रशासन की लापरवाहियों के नीचे दबकर बच्चियों के बाप कब तक मरते रहेंगे? कब बेटियों और उनके माता पिता की चीखें सत्ताधीश के कान तक पहुंचेगी? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।